सिर्फ खाने के ही रील्स। तीज स्पेशल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। दिस इज माय फर्स्ट तीज आफ्टर मैरिज। डोंट माइंड माय फेस राइट नाउ। कल तीज है और आज उसके पहले की तैयारी चालू है। सो अभी मुझे जाके शावर लेना है और मम्मी ने कहा था कि बालों में दही लगाना है बिकॉज आज मंडे है। मंडे को हेयर वॉश करने से दोष पड़ता है तो अगर दही लगा लेंगे तो दोष नलीफाई हो जाता है, ऐसा कुछ मम्मी ने बताया। तो आई डू दैट, बट दही नहीं है शायद घर पर तो मैं मंगा लेती हूँ नीचे से। ऑल्सो मेहंदी आर्टिस्ट आने वाली है सो चलो जल्दी जल्दी मुझे करना है। आई डोंट हैव टाइम और रूम भी थोड़ा सा मेसी है तो क्लीन करना है, तो लेट्स डू इट। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है अब तक तो, अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली। एंड यस, वीडियो को लाइक कर देना यार। आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो सो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ कर देना। मैंने अभी दही मंगाया है। मैंने सोचा था कि मेहंदी आर्टिस्ट आने के पहले ही मैं हेयर वॉश ले लेती बिकॉज मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं हेयर वॉश करूँगी तो मेरी मेहंदी लाइट ना हो जाए, इसके लिए मैं ऐसा सोची थी पहले। बट फिर दही नहीं था तो अभी मैंने जस्ट भेजा है दही लाने के लिए, सो दही आ जाएगा। फिर देखते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट आ गए तो पहले मेहंदी लगाना होगा बिकॉज सबका टाइम बहुत ज़रूरी होता है। बाय द वे, आई एम हैविंग याकुल्ट, दिस इज़ प्रोबायोटिक फूड। मुझे दोपहर में ना इसे ऐसे ही पीना बहुत अच्छा लगता है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। इसमें 1 मिलियन बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरियाज है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मुझे किसी ने बोलने नहीं बोला बट नॉलेज था तो मैंने सोचा थोड़ा शेयर कर दूँ। बट मुझे ये नहीं पता कि रोज़ पीने से ये फ़ायदा, मतलब रोज़ पीने से बेनिफिट है कि साइड इफ़ेक्ट्स है, आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो। A few moments later. So, यहाँ पर मैं मेहंदी डिज़ाइन डिसाइड कर रही हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 15-20 डेज के गैप में तीसरी बार मैं ये मेहंदी लगवा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी जो दूसरी मेहंदी वो छूटी भी नहीं है। सो उसी के ऊपर मैंने स्टार्ट कर दिया लगाना। एंड इस बार मैंने सोचा कुछ अलग डिज़ाइन लगाते हैं बिकॉज ऑलरेडी दुल्हन टाइप एंड भरी हुई मेहंदी में लगाई रही थी। सो आई वेंट फॉर दुबई स्टाइल डिज़ाइन। मेहंदी लग गई, वेरी नाइस। दिस इज दुबई स्टाइल मेहंदी, रोज डिजाइन। इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सना मेहंदी आर्टिस्ट, कुछ भी तो मेरे तो कितने 3 लाख होने आ रहे, तो मतलब एक सब्सक्राइबर पे 10 तो कितना 30 लाख मिले होंगे। कुछ भी नहीं, सब्सक्राइब पे कुछ नहीं मिला था, सिर्फ व्यूज वगैरह मिलते हैं ना उसको। मम्मी की मेहंदी लग गई है, तीज की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। यस गाइज, मेहंदी तो लग गई है, अब मैं अपने बालों में दही लगवाने वाली हूँ। सो पल्लवी इज गोइंग टू हेल्प मी। पल्लवी बैठ जा, बेटा आगे आ जा। पल्लवी मुझे हेल्प करने वाली है। अभी तो काफ़ी लोग पल्लवी को जानने लगे हैं। ओरियो की वजह से कितने जगह बिखर गया मेरा यार मेहंदी, हर जगह इधर उधर लग गया है। दही लगने से क्या होता है? नहीं, आज मंडे है ना तो मंडे के दिन बाल नहीं धोते। वैसे भी दही लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, अपने बालों को नरिश करता है, मॉइस्चर देता है, सॉफ्ट बनाता है। बट रेगुलर लगाने से, यानी कि एक बार लगा लिया तो फिर हम सोचेंगे कि अब सॉफ्ट हो जाएगा, तो नहीं, एक बार में नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या नुस्खे हैं ना, देसी नुस्खे, तो ये सब रेगुलर करना पड़ता है। अरे रब्बा, बाल ही खींच के ले जा रही है पहले। दही लगाने के हाफ एन आवर के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया एंड फिर मैं और मम्मी नीचे चले गए कल के पूजा के लिए सामान लेने के लिए। सो सारे श्रृंगार लेने होते हैं, हम भगवान को चढ़ाते हैं और कुछ अपने लिए भी लेते हैं। सो यस, वही सारी चीज़ें हम लेने आ गए हैं और घंटी कटोरियाँ भी लेनी थी तो हम मंदिर के दुकान में आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छे अच्छे मिल रहे थे और जस्ट घर के बाजू में मिल रहा था, सो वी वर वेरी हैप्पी। एंड घर आने के बाद वी हैड अमेजिंग टी। अब मुझे लगी है भूख, सो आई गॉट दिस इडली बैटर एंड ये सब वेजीज है तो कल यूज़ होंगे, आज नहीं। तो चलो आई मेक डोसा, इडली बैटर से। डोसा बनाने के पहले चटनी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर मैं नारियल को फोड़ रही हूँ एंड इतने प्यार से फोड़ रही हूँ तो नारियल फूट ही नहीं रहा था। उसके बाद फाइनली आई हैड टू गो आउट बालकनी में जाके मैंने अच्छे से इसे पीटा है, फिर ये फूट चुका था। तो चलो आंटी भी आ गई हैं, तो चटनी कुकर आप लगाओ। आंटी भी आ गई है तो अब मेरा डोसा अच्छा बनेगा शायद, है ना। नहीं, धनिया को बहुत अच्छा लगता है, चावल वाला। हाँ, चावल जो गुड़ का और वो नारियल का ना। हाँ, वो मुझे बना दो, हम लोग खाएंगे। तेल में भी उसको कड़के भी, हाँ दोनों बना सकते। नहीं, वो चावल वाला बहुत अच्छा लगता है, चावल वाला बनते तो घर में बहुत सारा काम है। काम तो अभी गणपति है ना आंटी,
अभी हमारा कल तीज है, हम लोग को इतना काम लग रहा है, तब तो आप लोग को तो बहुत ही रहेगा। तीन मिर्ची डालो, मतलब मीडियम तिखा करो, से ज्यादा भी नहीं। तीन डाल दो, चलेगा, ज्यादा तिखा नहीं होगा। तो डाल इमली भी है ना, थोड़ा सा इमली डाल। नहीं, मेरे को अच्छा चटनी चाहिए, इमली खट्टा मत करो। एक्सपेरिमेंट मत करो, भूख लगी है मुझे। एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में पता चला मन ही नहीं किया फिर। हाँ, मुझे भूख लगी है, आज मैं दोपहर में भी नहीं खाई हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेहंदी लग गई। लगवाई ना, बहुत अच्छा लग। ये छुरी नहीं, ये रामपुरी है। वो पल्लव का छुरी है। क्या डालोगे? आलू कुछ? आलू तो यही आलू भुजिया। हाँ, यही इसको आलू भुजिया बोलते। आंटी कंफ्यूज हो गई। ये क्या बोल रही है लड़की? ये देखो न्यू रेसिपी, आलू भुजिया में भी नमक रहता है, तो थोड़ा ही नमक। यस। ओरियो को लग रहा है कि दही वगैरह कुछ तो है। दही पसंद है ओरियो? क्या हो बेटा? दही। चटनी इज रेडी। अब ये इडली बैटर है, तो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, बन जाएगा डोसा बैटर। सो गाइज, ओरियो भी वॉकिंग से आ गया है और ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। अब कल फास्ट रखना है। सो कल मैं पहनने वाली हूँ अपनी पीली साड़ी, शादी वाली, तो उसे हम पियरी कहते हैं, तो मैं वही वेयर करने वाली हूँ। सो फिलहाल मुझे उसको निकालना होगा, बिकॉज शादी को 6 महीने हो गए हैं और शादी के टाइम पे ही, लाइक निकालने के बाद जब मैंने विदाई साड़ी में चेंज किया था, तो मैंने उसे सूटकेस में रखा और तब से सूटकेस में ही है। एंड आई नो आई हैव गेन्ड अ लिटिल वेट, ज़्यादा नहीं गेन की हूँ। इतने कॉमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि आप बहुत मोटी हो गई हो, आप अपने वेट पर कंट्रोल करो, आप मोटी हो जाओगी, ऐसा वैसा। बट हाँ, ठीक है, वेट गेन हुआ है एंड मुझे तो पसंद आ रहा है, अच्छी लग रही हूँ ना। हाँ, ब्लाउज़ के स्टिचेस ओपन करने होंगे एक लाइन, तो हो जाएगा परफेक्टली। लाइक हाथ वाथ ज़्यादा नहीं होता मेरा, चब भी हो जाता और टमी बाहर आ जाता, बस दैट्स इट। कल तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आज ही निकाल लेती हूँ। तो बेड उठ गया है एंड आई थिंक ये रेड वाले सूटकेस में ही है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। अरे बाप रे, ये वाली पहनूंगी मैं भैया, दिस वन। कल फास्ट है तो आज स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है हम लोग को, एंड दिस इज ऑर्डर बाय माय पति देव। आई लव दिस कैरमल कस्टर्ड, तो या मुझे कैरमल कस्टर्ड बहुत पसंद है, सो इसलिए मेरे लिए आज ये ऑर्डर हुआ है। सो गुड। तू नहीं खा सकता ये? ये अच्छा नहीं है बेटा तेरे लिए, उसको समझा कि कैमरा चालू है। क्या हुआ? तू नहीं खा सकता बेटू, इधर क्या चाहिए? मतलब बच्चा है तू। मैं ओरियो को कैरमल कस्टर्ड नहीं दी, तो इसलिए ओरियो को मसाज दूंगी मैं, जो उसको बहुत पसंद है। यस गाइस, कैरमल कस्टर्ड हो गया खत्म, पेट भी पूरा भर गया, बिकॉज मैंने 2 बनानास, ताकि कल प्यास ना लगे, इसके लिए खाए हैं और कस्टर्ड खाए हैं, और शाम में मैंने 3 डोसा खाए थे। माय गॉड, इतनी भूख लगी थी, क्योंकि आज दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया था। आई जस्ट हैड मैगी, एक मैगी बस, दैट्स इट, और चाय पी थी, दैट्स ऑल आई हैड। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो, सो या लेट्स सी कल कैसा दिन जाता है। अ फ्यू इंचेस लेटर, ओ निखिल पहला तीज लेकर आए हैं मेरा। अरे अरे अरे, बस 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 बेटा बस, ओरियो तो क्या बात है, क्या क्या भेजा है मम्मी ने? क्या
रात के 1 बजे तीज लेकर आया भैया मेरा, ये टॉयलेट कर दिया। वाह ये बहुत प्यारी सी ड्रेस और फ्रूट्स वगैरह, बाप रे बाप, बैंगल ड्रेस के साथ बिंदी नेल पेंट सिंदूर बिछुआ एंड पायल, सो स्वीट। सो तीज का सामान देखने के बाद फिर मैं सो गई। अगर आपको जाना है मॉर्निंग उठते मैंने क्या क्या किया है, सो वॉच दिस वीडियो। मेकअप लुक है ये, आई टेक माई दुपट्टा, वेयर माई बैंगल्स एंड नेल पेंट अभी लगाने मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और बाहर से ही पूजा कर लेती हूँ। मम्मी वैसे कर रही है, सबको चढ़ा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज आई एम रेडी और अब चलो मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। सो चलो चलते हैं। परेशान हुआ है कि मैं अभी बाहर आऊं, क्या कर रहे हैं ओरियो यहाँ पर बहुत गुस्से में है। लुक एट हिज फेस, इज सो क्यूट। वो एक्चुअली सोच रहा है कि ये अकेले बाहर क्या कर रहे हैं और मुझे रूम में क्यों रखी है। सो ही वॉन्टेड टू कम आउट। देखो मेरे सब मेकअप प्रोडक्ट्स उधर रखे हुए हैं, मैं भी रेडी हूँ। क्या मिटू का खोल दे, अली बाप ले, अली बाप ले, अली बाप जा। सो जो भी आपने रील्स और शॉर्ट्स देखे हैं मैंने यहीं पर बैठकर सारी रील्स और शॉर्ट्स बनाए हैं। गाइज मैंने लिपस्टिक का थोड़ा सा टचअप किया, पिंकिश लुक में मैंने रखा है और मैं रेडी हो गई हूँ। पूजा तो कर ही नहीं सकती, बस दूर से मैंने मंदिर में ऐसे आशीर्वाद ले लिया है। पहली तीज थी एंड आज सुबह ही मुझे मैंसेज आ गए, तो आई कैन नॉट यू नो एनीथिंग। अभी बहुत ही मैसी है घर, बिकॉज सब इधर रखा था टेबल पर, तो मैंने उसको बेड पर डाल दिया रिकॉर्ड करने के लिए। चलो बाय बाय, जा रहे हैं। आ गए रहेंगे नीचे, इतना फास्ट करना पड़ा। वो मैंने मेकअप लुक जब मैं रेडी हो रही हूँ तब मैंने बताया क्यों फास्ट करना पड़ा। सो इसके लिए फिर जो मम्मी ने ड्रेस मुझे सेंड किया है तीज के लिए वही मैंने वेयर कर लिया और ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत मिनिमल रखा है मैंने इस बार। मुझे साड़ी वेयर करने का बहुत 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 मन था बट क्योंकि मैं अब मंदिर भी नहीं जा सकती तो ऐसा लग रहा है और इतना टायरिंग फील हो रहा है और मैंने इतने सारे रील्स बनाए हैं, कब से मैं वीडियोज ही बना रही थी, पता नहीं। सोच रही हूँ साड़ी पहनूँ कि नहीं पहनूँ, बिकॉज मंदिर तो जाना नहीं है, पर रेडी होकर मैं करूँ तो करूँ क्या, घर पे ही रहना है मुझे। फोटोज़ भी मैंने क्लिक किए हैं, मैं इंस्टाग्राम और कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट करना। अब तो आवाज़ भी नहीं निकल रही ऐसा लग रहा है। सो चलो गाइज आई जस्ट सिट एंड रिलैक्स। और सनशाइन गए हैं जिम, तो जिम से वो आने वाले हैं, तो या लेट्स सी क्या होता है आगे। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अभी 5 बज रहे हैं, लाइक 4:45, 15 मिनट 5 बज रहे हैं। कौन मारा कैसे ओरियो तो यहाँ पर, उसको कैसे देखो देखो ये ओरियो ने मार दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा मम्मी को ही मार दे, बराबर हो जाएगा। हाँ तो मैं इसीलिए हालचाल पूछना है, कैसे हो। मैंने ना सोचा कि थोड़ा टाइम पास करूं रील्स देखकर, रील्स पे सिर्फ खाने के ही रील्स आ रहे हैं, दाबेली आ रहे हैं। अभी 5 भी नहीं बजे यार, मारा है ओरियो ने, जो ये खून दिया है मैं भी इसको खून दूंगा। दिस इज हाउ दे प्ले एवरी टाइम। देखिए ये लड़ाकू लड़का है। तो गाइस कल हमने वो बिछुआ और पायल नहीं लिया था, इसके लिए अभी मैं मम्मी पापा सनशाइन हम लोग चारों जन जा रहे हैं ज्वेलरी स्टोर, तो चलो चलते हैं देखते हैं। ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया है लिफ्ट में भी, बिकॉज कल गणेश चतुर्थी है और अभी 5 डेज बिल्डिंग में गणपति रखने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन चालू है।
बाद खाएंगे हम लोग, कल खाएंगे। थैंक यू थैंक यू, मैं भूल ही गई थी। ये बिछवा गड़बड़ हो जाता है, हम लोग कस्टमर को पूछ लेते हैं व्रत है कि नहीं, बाकी बहुत लोग का आदत है खोल के डायरेक्ट। बिछवा और पायल दिखा दो ना, एकदम सिंपल प्लेन डिजाइन अच्छी लग रही है, बट काफी पतला है ना, पायल जैसा नहीं कर लिया आपको याद कर दिया सारे काम को। और डिजाइन दिखाओ ना, ये मम्मी को बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं मैं देखो तो नहीं है, मैं देखो तो देखो सिर्फ अगर अच्छा लगे तो, तब तो पहले देखो तो अच्छा लगेगा। गिफ्ट मिल रहा है तीज का, ले लो। तो हमें तीज का गिफ्ट मिल रहा है, तो एक ये मैंने देखा है। Finally done shopping. लेकिन बहुत लोगों की आदत होती है तेज मुबारक हो या तेज मुबारक। बजरंग बली इनके A few inches later. So yes guys, हम लोग ज्वेलरी स्टोर से आ गए और फिर आज 8:30 बज गए हैं और अभी तक तारे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा ज़रूर होता है कि जब जो चीज़ देखना है वो कभी नहीं दिखता है। तो मम्मी तो कहीं आप पानी पी सकते हैं, बिकॉज इट्स 8:35 राइट नाउ। हमारे पतिदेव हमें पानी पिलाएंगे और आई एम सो हैप्पी बिकॉज गणपति आज डे वन तो नहीं है बट गणेश चतुर्थी लग गई है। सो रोड पर काफ़ी सारे गणपति बड़ी बड़ी मूर्ति देखने मिला है, तो आई वॉज सो हैप्पी। गिफ्ट टाइम, ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच। तुम दिखी नहीं रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज यू नो वाई, सो यू वेरी क्लोज टू माई हार्ट। Oh my God! ये क्या है? ये भी लिया था तुमने? ये मैंने चुपके से लिया था। मम्मी का है। मम्मी का दिखाओ। वाह! ये सरप्राइज, ये ही मैं पहनूंगी फिर अभी। हाँ, इस पे जा रहा है एकदम अच्छे से। So pretty. First opening. A few moments later. कहाँ हो, कब से ढूंढ रही हूँ। Thank you so much. Thank you. Welcome, welcome, welcome. It's our first stage. See? Wow. Nice ना? बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सर पकड़ लिया है, बट थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है स्टमक में, बट सर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। और मेरा फर्स्ट स्टेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्पेशल रहा मेरे लिए। अभी 9:05 हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, आई विल चेंज एंड मम्मी के साथ वीडियो कॉल वगैरह पे बात कर लेती हूँ। फिर सुबह उठ के भी एक छोटा सा रिचुअल है वो करना है, तो डेफिनेटली वो भी आप लोग आगे देखोगे। सो यस, कुछ ऐसा रहा मेरा पहला तीज ससुराल में। शादी के पहले तो मैं रखती थी, नाउ आई कैन नॉट वेट फॉर टुमारो टू हैव यमी यमी फूड। एंड यस, कल तो गणपति भी स्थापना हो जाएंगे बिल्डिंग में, सोसाइटी में और हर जगह, तो डेफिनेटली हो सकता है कि मैं विजिट करने जाऊँ, तो मैं ज़रूर व्लॉग्स बनाऊँगी। शादी के पहले तो आई यूज़ टू मेक डे वन डे टू डे थ्री व्लॉग्स, बिकॉज सब प्रोग्राम्स होते थे, कभी पेंटिंग, कभी ड्राइंग, कभी यू नो सम अदर अदर सिंगिंग, कभी डांसिंग प्रोग्राम, तो सब होता था। तो आई यूज़ टू नो, अभी ये न्यू सोसाइटी है तो मेरी इतनी बॉन्ड नहीं है सबके साथ, बट पता है मुझे क्या क्या प्रोग्राम्स है, बट नीचे जाऊँगी देखते हैं। स्वीट ऑफ माई देवर, ही मेड अस दिस एप्पल जूस।
Guys, I've changed and it's time for apple juice now. Good morning, guys. So it's 5:30 in the morning और मैं उठी and I followed the ritual. चना लेना होता है and हर तरफ पाँच पाँच फेंकने होते हैं और पाँच वो swallow करना होता है. बिल्कुल भी chew नहीं करना होता तो मैंने वो कर लिया and मम्मी ने कहा कुछ खा लो तो अभी मैं बनाने वाली हूँ डोसा. तो डोसा खा के फिर I'll sleep and then उठ के vlog edit करूँगी and then आप सब लोग उसे देखोगे. It's my dosa. Wow, yummy, yummy breakfast at 6:15 a.m.